प्रभावित। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? एंड आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और मेरे पास मायरा बैठी है। मायरा इसलिए बैठी आज मेरे पास कि मैं वॉइस ओवर करूँगी और मायरा राधे राधे बोलेगी। पर मायरा बोल के नहीं गई है, अभी मायरा चली गई है यहाँ से उठ के। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो जी, मैं यहाँ पे लगी हूँ बच्चों की फरमाइश पूरी करने। और तीज पर तो नहीं बनाया था, बट अभी रक्षाबंधन है तो मैं बना लेती हूँ, सोचा थोड़ी सी बना ही लेती हूँ। और मुझे भी अच्छा लगता है बच्चों के लिए बनाना, अपने लिए बनाना। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा मैं बना लेती हूँ करके, तो मुझे भी अच्छा लगता है और घर में सबको पसंद आते हैं। या मेरे जो है मिठाई कुछ भी मैं जैसे भी बनाती हूँ और बड़े प्यार से और मेहनत से बनाती हूँ। तो आपको स्टार्टिंग में देख के पता चल गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं गुंजिया बना रही हूँ। और तो गुंजिया बनाने के लिए ना, सबसे मैंने पहले जो है ड्राई फ्रूट्स थोड़े से फ्राई किए हैं, और अभी पैन में मैंने थोड़ी सी सूजी रखी है, बस थोड़ी सी सूजी रखी है। मैं ज़्यादा सूजी की क्वांटिटी नहीं लूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने आटा लगा के रखा है। आटे में मैंने थोड़ा सा मोयन डाला और उसको टाइट गूँथ के रखा है। और मैंने मैदा लिया थोड़ी, और थोड़ा मैंने आटा लिया है। तो मैंने सारी मैदा नहीं ली है, और फिर मैंने आटा दूध से लगाया है गुंजिया का। बड़ा गुंजिया मतलब बड़ी अच्छी होती है, बन जाती है टेस्टी सी। तो थोड़ी सी मेरी सूजी भी भुन रही है यहाँ पे, और ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐसे हल्के हल्के से चॉप किए हैं। और मुझे ये चॉपर है ना, जो इससे मुझे चॉप करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मैं मावा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको पतला सा कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने मावा बनाया था ना गुंजिया बनाने के लिए, तो बहुत सूखा सूखा मावा बना लिया था, एकदम परफेक्ट बनाया था। तो फ्रिज में रखने के बाद ना ये सारे इकट्ठा हो जाता है, गांठ सी इसमें पड़ जाती है। तो बस थोड़ा सा घी डाल के वही मैंने किया है। तो इसमें ज़्यादा है ड्राई फ्रूट्स और मावा, और थोड़ी सी इसमें शक्कर मैं डालूँगी मीठे के लिए, जितनी भी डालनी है। और सिर्फ थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डालूँगी सूजी, बहुत ज़्यादा सूजी नहीं डालनी। और मैंने इसमें पिसी हुई चीनी ली है। पिसी हुई चीनी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और मेन बात यह है कि मेरे पास अभी जो है बूरा नहीं थी, शक्कर नहीं थी, तो इसमें चीनी पीस के डाली है मैंने। और इन सबको ना बड़े अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और फिर ना फटाफट से मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे गुंजिया। और बच्चे बिल्कुल बेचैन हैं, बच्चों को पहले हो जाता है मैं कुछ किचन में बनाने ना लगूँ तो किचन में ना मेरे पास ही खड़े रहते हैं। और मायरा को सबसे ज़्यादा होता है कि उसको बनाने नहीं देना, उसको बस ऐसे ही मिल जाए खाने के लिए। तो और साथ ही मैंने ना डिनर की तैयारी भी कर दी, क्योंकि शाम के टाइम मैं बना रही हूँ ना। और सिर्फ आटा जो है लेके उसकी एक बड़ी सी रोटी बना के, और उसको ये एक मेरे पास मोल्ड है गुंजिया बनाने का, तो बाकी हाथ से भी बना लेते हैं, लेकिन हाथ से बनाने में टाइम लगता है और आजकल ये सब चीज़ें कोई ट्राई भी नहीं करता है। तो मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, ये टाइम मतलब रात के 8 बज गए हैं मुझे ये बनाते बनाते। तो मुझे टाइम से जो है बच्चों को सुलाना भी होता है, तो इसके लिए ऐसे मोल्ड के ऊपर रख के, और इसमें 2 चम्मच मैं अच्छे से थोड़ा दबा दबा के जो है अपना कसार इसमें भर लूँगी, मतलब हमारे यहाँ पे कसार कहते हैं वैसे ये फिलिंग है, उसको भर लूँगी। और फिर इसके किनारों पे ना पानी लगाया मैंने थोड़ा सा इसको चिपकने के लिए, और कसार जो है वो अंदर तक ही होना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। तो अगर बाहर आता है ना तो फिर ये इसके किनारे ना अच्छे से बंद नहीं होते हैं। तो अभी सारी तो मतलब मैंने नहीं बनाई है, मतलब थोड़ी थोड़ी मैं बना रही हूँ। और इस टाइम पे ना हमारी गैस भी ख़त्म हो गई थी, मतलब सिलेंडर हमारा ख़त्म, तो फिर मैंने ये इंडक्शन पे बनाए हैं। और इंडक्शन की ना जो
स्लो मैंने रखा है इसको, जो इसकी फ्लेम है वो मैंने स्लो रखी है, और इसमें तीन या चार मैं इनको करती जा रही हूँ, और ये धीमी आंच पे ना इनको जब तक पकने में टाइम लग रहा है तब तक मैं अपनी दो दो चार चार और बनाती जा रही हूँ। तो ये बस इनको बैठ के मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि इनको जब ज़्यादा बनाते हैं ना तो दो या तीन ज़रूरी होते हैं बनाने के लिए, और यहाँ तो मैं अकेली हूँ तो उसी हिसाब से मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई है। और मैं मीठा मतलब क्वांटिटी में थोड़ा सा ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। वैसे ज़्यादा बन जाता है कि आज ये बनाया आज वो बनाया, बाकी मुझे अच्छा लगता है बनाना, और मैं पहले से ही ऐसे ही बनाती हूँ। जो नहीं आता उसको सीखने की कोशिश करती हूँ, और जो आता है वो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो बन गई है यहाँ पे एकदम गरम गरम, दो लोट मैंने होता मतलब दो बारी मैंने फ्राई कर दी है, और मायरा को यहाँ बेचैनी है खाने की, तो मैंने मायरा को सिर्फ बोला है कि पहले भोग लगेगा फिर मायरा को मिलेगी खाने के लिए। तो मायरो यहाँ पे जो है सबसे पहले प्लेट लेके आई है और फिर भोग लगाने लगी है। तो मायरा को होते ही है, मायरा को मतलब बनने से पहले मायरा को दे दो, और गैस पे से उतरते ही मायरा को चाहिए। तो मायरा का बस थोड़ा सा ऐसा है, बच्चों का होता भी है। अभी तो बनने लग रही है, और मायरा देखो कटोरी में लेके जो है खड़ी है। बताओ मायरा कैसी लगी? गरम तो नहीं लग रही? गरम गरम लेके बैठे हो है ना, इसमें से भैया को दे दो। हाँ वन भैया को दे दो, वन आप खा लो। गुंजिया मेरी यहाँ पे बन गई हैं सारी, और उसके बाद थोड़ी सी मेरी बची है फिलिंग, कसार मेरा बचा है वो थोड़ा सा मैंने मायरा को दे दिया, क्योंकि खाने में ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ के साथ मैंने आज खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी बनाने का ये होता है ना कि जब कुछ और बनाते हैं ना तो थक जाते हैं, तो ऐसे टाइम पर ना मैं कुछ हल्का फुल्का सा बना लेती हूँ। तो गैस ख़त्म हो गई थी खिचड़ी बनाते बनाते, तो जो थोड़ी बहुत भी इसके अंदर हीट थी ना, तो उसके ऊपर मैंने जो है कपड़ा ढक दिया, और कपड़ा ढकने से ना ये खिचड़ी अच्छे से पक गई है। और अभी यहाँ पे चल रहा है मेरा काम। तो आप को किसी भी वजह से ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राधे राधे।